सुजानपुर टिहरा में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें सुजानपुर मैदान में गणपति भगवान की मूर्ति रखकर सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान मंदिर में भी गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणपति के संचालकों ने मुख्य बाजार में शोभा यात्रा निकालकर गणपति को गणपति के गानों से गुणगान किया और गणपति की महिमा के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसमें आशुतोष ने बताया कि गणपति को 10 दिन पूजा अर्चना के उपरांत नदी में विसर्जन कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि गणपति की स्थापना 2 सितंबर को पूजा अर्चना के उपरांत मुख्य चुनाव में कर दी गई थी और 12 सितंबर को विसर्जन कर दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने इलाका वासियों से अनुरोध किया है कि भारी संख्या में लोग पहुंचकर गणपति बप्पा को बधाई दें। सोलन के राष्ट्रीय कुंभ अनुसंधान केंद्र में मशरूम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कोने कोने से मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया और मशरूम के साथ साथ उससे बनने वाले उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ओयस्टर मशरूम से बनने वाले पापड़, बिस्कुट और नूडल्स को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे लोगों द्वारा बेहद सराहा गया। इसी तरह से अन्य उत्पादों को भी किसानों के अवलोकन के लिए रखा गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य मशरूम उत्पादकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और किसान मशरूम व्यवसाय में सफलता हासिल कर चुके हैं उन्हें सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। अधिक जानकारी देते हुए अन्य राज्यों से आए हुए सफल मशरूम उत्पादकों ने बताया कि ओयस्टर मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू को देखते हुए उन्होंने जहाँ इस मशरूम का पाउडर बनाने में सफलता हासिल की है, वहीं इससे पापड़, बिस्किट और नूडल्स भी बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे खाता है तो वह कैंसर, हृदयाघात, शुगर जैसी बीमारियों से बच सकता है और जो इन बीमारियों से पीड़ित है उसमें इन गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत हासिल कर सकता है। हम लोग देहरादून से आए हैं, जेएमडी फार्म्स हमारी फार्म है और हम लोग मशरूम के प्रोडक्ट लेके आए हैं, जैसे बिस्किट हो गया, अचार हो गया, ड्राई मशरूम हो गया, प्लस हम लोग प्लांट का डेवलपमेंट लेके आए हैं, जैसे मशरूम की हट हो गई, आपकी पपनल का प्लांट हो गया। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आपका शुगर आपका कंट्रोल में आ जाता है बिस्किट में, और आपका कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों बागवानों को सरकार द्वारा मौन पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों बागवानों की आय को बढ़ाया जा सके। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में उगान विभाग द्वारा एक जागरूकता कैंप के दौरान ये जानकारी प्रदान की गई। अब किसान व बागवान प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से न सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे, बल्कि इससे पॉलिनेशन द्वारा फल, फूल, दलहन व तिलहन की उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि मधु विकास योजना के तहत ब्लॉक मुख्यालय पर उद्यान विभाग की ओर से बेरोजगार युवा किसान व बागवानों को मौन पालन यूनिट के लिए जहां 80% तक सब्सिडी दी जाएगी, वहीं इस योजना के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 50 यूनिट तक सब्सिडी विभाग की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा मौन पालन हेतु बक्से खरीदने के लिए भी 50 बॉक्स तक 1,600 रुपए प्रति बक्सा की दर से किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी और मौन पालन से संबंधित यंत्रों को खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही घरों में देसी मधुमक्खी पालने वाले को भी प्रति छत्ता 1,000 रुपए तक दिए जाएंगे। उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में
नौणी पंचायत के लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें किसान खंड स्तर पर इसके लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए उसे निशुल्क 5 दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उसे मौन पालन के लिए 1600 रुपए प्रति बॉक्स की दर से 50 बॉक्स तक आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उसे इसके यंत्रों के लिए भी पैसा दिया जाएगा और जो पहले से ही घरों में देसी मधुमक्खी पाल रहे हैं उन्हें भी 1000 रुपए प्रति छत्ता उद्यान विभाग की ओर से दिया जाएगा।